हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह स्वागत करती हूं आपका यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के पॉइंट नंबर 1 में, जिसका टॉपिक है भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप। तो इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उसके बाद मौर्यकालीन सभ्यता, ये सब हमने देख लिया था। इसमें कला के स्वरूप क्या थे, तो आज हम देखेंगे मौर्योत्तर, मौर्यों के बाद जो जो शासक आए हमारे देश में और उनके काल में कला के क्या क्या प्रारूप थे, कैसी गुफाएँ थी, कैसे स्तूप थे, इन सब के बारे में आज के हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। बाकी इसके अलावा मैं जीएस पेपर 4 भी शुरू करने जा रही हूँ, और जो हम लोग करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहे हैं वो आप डेली देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो ये सब तो आप देख चुके थे, हम लोग तीन पार्ट में कला को डिवाइड करेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो अभी हम प्राचीन पे ही चल रहे हैं, काफ़ी सारा हमने टॉपिक कवर कर लिया था। तो मैं जल्दी जल्दी ये पीपीटीज हटाती हूँ, ताकि आप जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके। बाकी जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं, ये मेरे पहले प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोस देख सकते हैं, ताकि पहले की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएं कि मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे करवा रखी हैं, जो कि मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो दरबारी कला हम लोग कर चुके थे, मौर्यकालीन का पूरा हमारा हो गया था, लोकप्रिय कला और दरबारी कला दोनों के बारे में। तो आज के में हम करेंगे यहाँ पर मौर्योत्तर कालीन कला, कि मौर्यों के बाद में जो कला का स्वरूप था उसके बारे में हम देखेंगे मौर्योत्तर कला। तो जो मौर्योत्तर कला है, इसमें जब मौर्य शासन का अंत हो गया दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, जब उनका पतन हुआ, तो भारत में विभिन्न भागों में जो छोटे छोटे राजवंश थे उनका उदय हुआ। जैसे कि उत्तर में हम कह सकते हैं कर्ण राजवंश, कुषाण राजवंश, शुक राजवंश या फिर शुंग राजवंश और शक राजवंश, ये प्रमुख थे जो उत्तर भारत में आए। और इस तरह दक्षिण और पश्चिम भारत में सातवाहन, इक्ष्वाकु, अभीर और वाकटक राजवंश थे। इन्होंने यहाँ पर प्रसिद्धि प्राप्त की थी, जो कि मौर्यों के बाद आए थे हमारे भारत में। इसी प्रकार यहाँ धार्मिक जो परिदृश्य हुए थे, धर्म के नाम पर यहाँ शैव आए थे, वैष्णव आए थे, शाक्त आए थे। पहले तो जैन और बौद्ध ही प्रमुख थे मौर्य काल में, बट मौर्यों के बाद जो है शैव, वैष्णव और शाक्त जैसे जो ब्राह्मण संप्रदाय थे, इनका भी उद्भव देखा गया है। और इस अवधि में हम लोग ये भी देखते हैं कि सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी कला ने इसमें परिलक्षित किया है। मतलब कि ये इस टाइम की जो कला थी वो बताती थी कि यहाँ का समाज कैसा है, राजनीति कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है। मौर्योत्तर काल के बाद की जो कला है मौर्योत्तर काल में, वो ये बताती थी। और चट्टानों को जो काट के गुफाएं बनाई गई हैं, स्तूप बनाए गए हैं, इससे स्थापत्य कला तो जारी रही, जो कि मौर्य काल में भी थी, बट कुछ राजवंशों ने अपनी स्वयं की खुद की अनूठी विशेषताएं प्रचलित की। इसी प्रकार जो मूर्ति कला थी, उनमें भी विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ। जैसे कि मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला जो थी वो अपने चरमोत्कर्ष पे थी। मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला में तीन शैलियां आई, गांधार शैली, अमरावती शैली और एक शैली और आई, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। मौर्योत्तर जो कला है वो स्थापत्य कला और मूर्ति कला हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। स्थापत्य कला के अंदर हम लोग पढ़ेंगे गुफाएं और स्तूप क्या क्या हुए थे मौर्योत्तर काल में बने थे हमारे, और मूर्ति कला में कला का क्या स्वरूप था उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। स्थापत्य कला के अंतर्गत चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। स्थापत्य कला में जैसे कि मौर्य काल में भी हमने देखा है कि चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी, बट यहाँ पर भी इसी तरह से बनाई जाती थी गुफाएं। इसका निर्माण जारी रहा था, जैसे मौर्य काल में था वैसे ही मौर्योत्तर काल में भी इनका निर्माण था। दो प्रकार की गुफाएं बनाई जाती थी, जैसे चैत्य और विहार। यहाँ पहले भी आप पढ़ चुके हैं, विहार बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे, और इनका जो विकास है मौर्य साम्राज्य के दौरान ही हुआ था। बट जो चैत्य थे, इनकी कक्षों का इस अवधि के दौरान विकास हुआ। मतलब आप कह सकते हो कि चैत्य का निर्माण हुआ था मौर्योत्तर काल में मौर्यों के बाद, और विहार का जो निर्माण हुआ था वो मौर्यों के समय में हुआ था। ये मुख्य रूप से समतल छतों वाले चतुष्कोणीय कक्ष होते थे,
और इनमें प्रार्थना कक्ष के रूप में इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था जैन द्वारा और बौद्धों के द्वारा। गुफाओं में बारिश से बचने के लिए खुले प्रांगण को पत्थर और जो रोड़ी है उनकी दीवारें भी बनाई गई थी उसके हिसाब से, और इन दीवारों पर पशु और मनुष्य की आकृतियों को भी बनाया गया था, अलंकृत किया गया था यहाँ पर। तो ये मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, जो पॉइंट्स इसमें नहीं लिखे हैं आप अपने नोट्स में यहाँ पर उतार भी सकते हैं। बाकी ये जी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, वीडियो एक दो बार देखेंगे तो आपको एज इट इज़ समझ में आ जाएगा कि हमें स्थापत्य कला में जो गुफाएँ हैं उसमें क्या लिखना है। आप एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, पिक्चर शो नहीं हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। उदाहरण के लिए कार्ले का चैत्य और अजंता की गुफाएं, ये रही पिक्चर, आप देख सकते हैं कार्ले का चैत्य ये वाला है और यहाँ पर अलोरा का विहार यहाँ पर आपको दिखाया गया है पिक्चर में। तो ये है हमारी गुफाएं जो कि मौर्योत्तर काल की थी। आगे हम बात करेंगे स्तूपों के बारे में। तो पहले जो स्तूप होते थे वो मौर्योत्तर काल में जो बनाए जाते थे वो विशाल और अलंकृत होते थे बहुत ज़्यादा, बट अब जो बनाए गए वो उससे भी ज़्यादा अलंकरण का प्रयोग किया गया। पहले तो किया ही जाता था बट उसके बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अधिक अलंकरण का प्रयोग किया गया। पहले जो स्तूप बनाए जाते थे वो लकड़ी और ईंट के बनाए जाते थे बट अब उनके स्थान पर पत्थरों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा। शुंग जो राजवंश थे उन्होंने स्तूपों की सुंदरता के लिए क्या किया, अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का निर्माण आरंभ कर दिया। तोरण बनाया गया जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नक्काशी की गई, अलंकरण का यूज़ किया गया। तोरणों को जटिल आकृतियों और पैटर्नों के साथ साथ उत्कीर्ण किया जाता था और ये हेलिनिस्टिक प्रभाव के साक्ष्य होते थे, मतलब ये एक तकनीक है जिसके द्वारा तोरणों का निर्माण किया जाता था। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो मौर्योत्तर काल में स्तूप बनाए गए थे वो है मध्य प्रदेश में भरूत का स्तूप, सांची के स्तूप का तोरण जो है वो मौर्योत्तर काल में बनाया गया था, आपको भी पता है वो सातवाहन वंश के राजाओं ने बनवाया था सांची के स्तूप का तोरण। तो ये यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे मूर्तिकला की। तो इसमें मूर्तिकला के क्या स्वरूप थे, तो मूर्तिकला की तीन शैलियाँ आई हैं मौर्योत्तर काल में। मूर्तिकला की तीन शैलियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, एक थी गांधार शैली, दूसरी है मथुरा शैली और तीसरी है अमरावती शैली। इसके बारे में आप लोगों से अलग अलग भी पूछा जा सकता है और इस ये भी पूछा जा सकता है मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला की विभिन्न शैलियों के बारे में बताइए। तो आप इन तीनों को ऐसे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और गांधार शैली की विशेषता है, गांधार शैली के बारे में बताइए, ये मथुरा या अमरावती, तो इनको आपको अलग से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं अलग अलग। तो मैंने यहाँ दो क्वेश्चनों को एक साइन कंबाइंड करके बताया है। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों के बीच का अंतर बताइए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको मैंने यहाँ पर दिया है अंतर, आपको दे दिया है। अगर आपको पर्टिकुलर गांधार शैली पूछा जाएगा तो जो ये गांधार शैली वाला ये पूरी लाइन है ये आप पूरा वहाँ लिखेंगे, अगर आपसे पर्टिकुलर मथुरा शैली पूछी जाए तो ये मथुरा शैली के बारे में ये जो पूरी टॉपिक है ये लिखेंगे, और अगर अमरावती शैली पूछी जाए तो ये पूरा टॉपिक लिखेंगे। बट तीनों में अंतर पूछा जाए तो आप ऐसे पूरा दे सकते हैं जैसे ये दिया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसको बहुत लंबा ना करते हुए मैंने इस क्वेश्चन को एक में ही बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया है कि एक क्वेश्चन से आपका 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस आधार पर मैंने इसका अंतर किया है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि गांधार शैली के बारे में बताइए तो आप यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर सकते हो, यूनानी व हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का भारी प्रभाव था इस पर, अतः इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में भी जाना जा सकता है। मतलब जो गांधार शैली थी वो यूनान की कला से ली हुई शैली थी। इसी तरह मथुरा शैली पर जो था वो स्वदेशी रूप में विकसित हुई थी, मतलब कि कहीं से इसका उद्भव नहीं हुआ था, किसी विदेशी से इसे नहीं लिया गया था, बाह्य संस्कृतियों से ये प्रभावित नहीं थी। यहाँ अमरावती शैली की बात की जाए तो ये शैली भी स्वदेशी रूप से विकसित हुई थी और बाह्य संस्कृति से प्रभावित नहीं थी। तो ऐसे आप अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताइए, मैं इसको अलग अलग से भी आपको करा दूंगी अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शैलियाँ और एग्जाम में आती ही आती हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं आगे इसमें प्रयुक्त सामग्री। गांधार शैली में जो है वो नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था बट बाद की जो अवधि है वहाँ मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग
किया जाने लगा था। मथुरा शैलियों में जो मूर्तियां थी वो चित्तीदार लाल बथुआ बलुआ पत्थर के प्रयोग करके बनाई गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अमरावती शैली की जो मूर्तियां हैं वो सफेद जो संगमरमर होता था उनका उपयोग करके बनाई जाती थी। धार्मिक प्रभाव की हम बात करें तो ग्रीक रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला है गांधार शैली, क्योंकि यूनान कला से प्रभावित थी इसलिए यहाँ पे बौद्ध चित्रकला जो कि ग्रीक रोमन के देवता यूनानी देवता थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। मथुरा शैली में जो धार्मिक प्रभाव था वो तीनों धर्म का था, हिंदू जैन और बौद्ध तीनों धर्म का प्रभाव यहाँ पर था। और मुख्य रूप से जो अमरावती शैली थी वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, तो यहाँ आप समझ चुके होंगे। मैं और अंतरों की बात यहाँ करूँगी तो सबसे पहले हम संरक्षण देख लेते हैं। तो मथुरा जो शैली थी उसका संरक्षक जो था वो कुषाण शासकों द्वारा उसका संरक्षण किया गया था, गांधार शैली का, और मथुरा शैली का भी कुषाण शासकों द्वारा किया गया था, बट जो अमरावती शैली है उसका सातवाहन शासकों द्वारा संरक्षण किया गया था। विकास क्षेत्र की हम बात करेंगे तो उत्तर पश्चिमी सीमांत आधुनिक कांधार क्षेत्र में विकसित हुई थी ये शैली। मथुरा जो आप जानते हो कि मथुरा शैली जो है वो सोंक मथुरा कंकाली टीला और आसपास के क्षेत्रों में यहाँ विकसित हुई थी, और अमरावती शैली मेनली जो है दक्षिण भारत में हुई थी जबकि कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी अमरावती और नागार्जुन कोंडा के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। सबसे मेन जो इनकी अंतर होते हैं इनकी विशेषताएं, ये सब विशेषताएं भी है, अगर आपसे मेनली विशेषता पूछी जाए तो भी आप यही आंसर लिखेंगे, तो इनकी जो मेन विशेषता थी वो बुद्ध की मूर्ति से रिलेटेड विशेषता थी कि बुद्ध की जो मूर्तियां थी वो गंधार शैली में कैसे बनती थी, मथुरा शैली में कैसे बनती थी और अमरावती शैली में कैसे बनती थी। ये स्पेशल पर्टिकुलर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिफरेंस बताइए, तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ, जिसने ये मिस कर दिया तो आप सोच सकते हैं आप काफ़ी नंबर एग्जाम में मिस कर देंगे, चाहे प्री हो चाहे मेन्स हो, बिल्कुल। और यहाँ मैं जो करा रही हूँ एक एक टॉपिक छांट छांट के करा रही हूँ, बहुत मेहनत करके ढूंढ के लाके करा रही हूँ, तो इसमें और एक भी टॉपिक यहाँ पे मैं छोड़ूंगी नहीं, लेट जरूर कराऊंगी बट कराऊंगी पूरा टॉपिक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। चलिए बुद्ध की मूर्तियों की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो गांधार शैली में लहराते बालों के साथ बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है। उन्होंने बहुत कम आभूषण धारण किए हैं और योगी मुद्रा में वो बैठे हुए हैं, आधी आंखें उनकी बंद है जैसा कि वो ध्यान मुद्रा में हो, सिर पर उभार या जटा को भी यहाँ दिखाया गया है, ये सब गांधार शैली के अंदर है और ये बुद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाता है कि वो सब जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्ध की मथुरा शैली के बारे में, बुद्ध की जो मूर्ति है वो मथुरा शैली में कैसे बनी है। तो बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्नचित्र यहाँ दिखाया गया है, प्रसन्नचित्त है वो प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तंग कपड़े पहने हैं मतलब कि टाइट हैं कपड़े, शरीर हष्टपुष्ट है, चेहरा और सिर मुड़ा हुआ है मतलब बाल नहीं है, बुद्ध जो है विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हुए हैं, जैसे कि हम गायत्री मंत्र या मेडिटेशन में बैठते हैं उस आसन में वो बैठे हैं, और उनका चेहरा विनीत भाव दर्शाता है, सिर पर वैसा ही उभार या जटा दिखाई गई है यहाँ पर। थर्ड हम बात करेंगे अमरावती शैली में, चूँकि मूर्तियाँ सामान्यतः कथा कला का अंग है, मतलब यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ बनी हैं वो कहानियों से लेके बनाई गई हैं, तो अमरावती शैली की बात है यहाँ पर, तो बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया है यहाँ पर। मूर्तियाँ सामान्यतः बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाती है, मतलब कि जातक कथाओं में जो जो कहानियों की श्रृंखला हुई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मूर्तियाँ बनाई गई है, तो एक पर्सनल जो उनकी मूर्ति पर प्रभाव है वहाँ पर कम दर्शाया गया है, पर्सनल उनके अंगों को भावों को शरीर को दिखाने का कम यहाँ प्रयास किया गया है, पूरी एक कथा का विवरण अमरावती शैली में यहाँ पर किया गया है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तीनों का अगर विशेषता आती है तो लिख सकते हो आप, तीनों का मतलब अगर पूछा जाता है अर्थ बताओ तो भी आप लिख सकते हो, तीनों का अंतर पूछा जाता है तो भी आप लिख सकते हो। तो यह हमारा मौर्योत्तर कला जो थी, मौर्योत्तर काल की जो कला थी वो यहाँ कंप्लीट होती है, जिसमें हमने दो पार्ट किया, आप देख सकते हो कि हमने देखा स्थापत्य कला में गुफाएं और स्तूप देखे, उसमें उदाहरण भी देखे, मूर्ति कला देखी, दो मेन यहाँ टॉपिक है स्थापत्य कला और मूर्ति कला। स्थापत्य कला में गुफाएं और स्तूप आ जाएंगे और
जो मूर्तिकला है उसमें तीन शैलियाँ यहाँ विकसित होंगी और ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। तो ये तीनों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं गुप्तकालीन कला लेकर आऊँगी, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कला और संस्कृति में, क्योंकि गुप्त काल को एक स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम आगे की क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग चक्रचंद मंच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।